पढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। स्कॉर्पियो और ट्रक की आमने सामने टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। राजस्थान और तेलंगाना में मतदान जारी। उत्तरकाशी में ताजा बर्फबारी, सफेद मखमली चादर से ढके पहाड़। घर में मिला 19 फीट लंबा कोबरा सांप। ज्वेलरी चुराकर चोर ने की भागने की कोशिश, नहीं खोल सका स्टोर का गेट। अब खबरें विस्तार से। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां स्कॉर्पियो और ट्रक की आमने सामने हुई भिड़ंत के दौरान स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा आगरा अलीगढ़ हाईवे पर देर रात हुआ। भीषण हादसे में स्कॉर्पियो को काटकर शव निकाले गए। देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान और नए राज्य तेलंगाना में मतदान जारी है। राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग जारी है। इन मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही वोटर्स की लाइन देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस दिसंबर 2013 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी थी। ये सुहावनी तस्वीरें हैं उत्तराखंड की, जहां उत्तरकाशी में ताजा बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना और लुभावना हो गया। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिला। वही ठंड और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ चारों ओर सफेद मखमली चादर ढके पहाड़ों का दृश्य देखने को मिलेगा। इसे देखकर कोई भी डर जाए, आखिर क्यों नहीं। 19 फीट लंबा कोबरा सांप जो है, 19 फीट लंबे इस कोबरा सांप को ओडिशा के मयूरगंज के एक घर के अंदर से रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम को बालीबंद के इस घर में सांप होने की सूचना मिली थी। उसके बाद वन विभाग की टीम ने कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। थाईलैंड में एक शख्स ज्वेलरी की दुकान पर चोरी के मकसद से पहुंचा और दुकानदार से मांग कर ज्वेलरी देखने लगा। हालांकि वो स्टोर का दरवाजा ना खुल पाने के कारण चोरी कर भागने में नाकामयाब रहा। इसके बाद दुकानदार ने पुलिस बुलाकर चोर को उन्हें सौंप दिया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।